नमस्कार, एसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही चर्चित व्यक्ति जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और बौद्ध धर्म की बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, सुधीर राजजी। सुधीर राजजी, आपका एसएन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। पहले बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म आया या हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म आया, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं, नेट पर आपको मिल जाएगा। उसमें ये किसी ने डाला था कि भाई हिंदू धर्म क्या है या हिंदू शब्द क्या है, हिंदू धर्म कहाँ से आया, हिंदू शब्द कहाँ से आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट दिया है, वो जजमेंट फ्लैश होता है, आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार। उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और जो किताबें हैं, जो साहित्य हैं, जो अभी हजार साल पुरानी जो किताबें बनी थीं, उनमें हिंदू शब्द का कहीं नाम नहीं मिलता। और जो उससे पहले का जो वेद का जो साहित्य है या बुद्ध का या जैन का साहित्य है, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द का नाम नहीं मिलता। अब हिंदू शब्द का बहुत सारे मीनिंग बताए गए, जोड़ते रहते हैं, मगर जो लास्ट में पहुंचता है, क्योंकि जहां तक व्याख्या गई है, लास्ट वाली व्याख्या है, वो कहते हैं हिब्रू से बना है। हिब्रू भाषा जो है वो यहूदियों की भाषा है, और ज्यूज़ की और यहूदियों की भाषा हिब्रू होने के नाते इनको, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आर्य हैं वो भी इसराइल से आए हुए लोग हैं और वो भी यहूदी हैं। एक विद्वान ने, किताब का नाम मुझे याद नहीं, मैं अगर आप संदर्भ चाहेंगे तो मैं बता दूंगा बाद में आपको, उसमें लिखा है कि जो भारत में आए हुए जो आर्य हैं वो आर्य यमन से आए हैं और इसराइल से आए हैं, और वो हिब्रू भाषा के लोग थे। और जो इब्राहिम और अब्राहिम जो उनके पहले टीटर थे, उसी से ये ब्राह्मण शब्द बना है जी। ऐसा करके हिंदू का बता दें। बाकी तो कोई कहता है सिंधु से बना है, कोई कहता है सह का है बन गया, कोई कहता है कि क्या बोलते अलबरूनी की किताब से अल हिंद से बना है, बहुत सारे इसके हैं। और ये बात तय है कि भारत का शब्द नहीं है हिंदू।